जी, लेकिन लगता है कि ऐसे में लड़कियों को अपने बचाव के लिए जूते का ही सहारा लेना पड़ेगा। एक खबर ऐसी ही दिल्ली गैंगरेप के बाद आई है। देश में लड़कियों को ऐसे अपराधों से बचाने के लिए नई नई कोशिशें हो रही हैं और मुंबई के पास थाने में स्कूली बच्चों ने खास तरह का सैंडल बना दिया। खतरा होने पर ये सैंडल न सिर्फ करंट फेंकता बल्कि अलार्म भी बजाता। ये लेडीज सैंडल दिखने में आम सैंडल जैसी हैं, लेकिन है बड़ी करामाती। ये सैंडल खास तौर से मनचलों को सबक सिखाने के लिए बनाए गए हैं। अगर कोई मनचला लड़की को छेड़ने की कोशिश करे तो लड़की के 3-4 बार पांव पटकते ही सैंडल में करंट दौड़ने लगता है। अब जरा सोचिए, ये करंट वाला सैंडल मनचले के सिर पर पड़ जाए तो उसका क्या हाल होगा। खास बात ये है कि करंट निचले हिस्से में होता है, इसलिए लड़की को कोई नुकसान नहीं होता। रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर से एक वेव पास होती है रिसीवर में और उससे वो सायरन बजने लगता है और वो जो आवाज है वो सुनाई पड़ता है। लड़की के पर्स में सैंडल के अंदर की चिप से एक अलार्म जुड़ा होता है, जिससे सैंडल में करंट आते ही पर्स में रखा अलार्म बजने लगता है और आसपास के लोग चौकन्ने हो जाते हैं। तकरीबन 2000 रुपए की लागत के इस सैंडल को ठाणे के चिल्ड्रन टैक्स सेंटर के प्रमुख पुरुषोत्तम पांच पांडे की देखरेख में 4 स्टूडेंट ने तैयार किया है। स्कूली बच्चों की तकनीक में बहुत दिलचस्पी है। इन बच्चों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अच्छी चीज बनाई है। जल्दी इस सैंडल में GPS सिस्टम लगा दिया जाएगा, जिससे कभी भी कहीं भी खतरा होते ही स्थानीय पुलिस के साथ ही लड़की के 4 रिश्तेदारों को SMS पहुंच जाएगा और वो खबरदार हो जाएंगे। ठाणे कपिल राउत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज, मुंबई।